इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना महिलाओं के लिए लाई सौगात। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हम हमारी पांचवीं गारंटी को पूरा करने जा रहे हैं। 18 साल से ऊपर की 80 साल तक की सभी जो हमारी महिलाएं हैं उनको हम इस वित्तीय वर्ष में 1500 रुपया मासिक पेंशन देने की घोषणा करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गारंटी थी। हिमाचल सरकार की कथनी और करनी में नहीं है कोई भेद। वादे निभाए हैं, वादे निभाएंगे। हिमाचल सरकार का है वादा। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 1 अप्रैल 2024 से 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन देने का ऐलान किया है, जिसको लेकर आज शिमला शहर की महिलाओं ने नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान की अगुवाई में ओक ओवर पहुंचकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार जताया। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने एक साल में चोर दरवाजों से हो रहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है, जिसके चलते प्रदेश की आय में कुछ इजाफा हुआ है। इस इजाफे को सरकार ने महिलाओं को देने का निर्णय लिया है ताकि महिलाओं को इसका फायदा मिल सके। सुल्तानपुरी जी, सभी सम्मानित हमारे विधायक महोदय, मंत्रीगण, संसदीय सचिव, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि 1 अप्रैल 2024 के बाद से जो बेटियां 18 साल से अधिक की उम्र की हो जाएगी उनको हमारी सरकार हर महीने 1500 रुपया देगी और साल का 18000 रुपया देगी। अठारह साल के बाद से जब तक उनके शरीर में अंतिम सांस है तब तक हमारी सरकार उनको अभी के रूप में 1500 रुपया देती रहेगी और उसके फॉर्म मेरे ख्याल उपलब्ध होने शुरू हो गए हैं और जल्दी ही आपको 1500 रुपए की पहली किस्त मिल जाएगी। ये पैसा आप लोगों का है जो भ्रष्टाचार के हमने चोर दरवाजे बंद किए और एक साल में जिस प्रकार हमने कार्य किया उसके कारण जो धन हमारी सरकार के पास आया वो हम आप जनता के बीच में बांट रहे हैं, महिलाओं के बीच में बांट रहे हैं। अभी आपका ये कार्यक्रम है, आप एक महिला सम्मेलन करिए, उस महिला सम्मेलन में मैं आऊंगा और उस महिला सम्मेलन में जो भी आपसे बातचीत करनी होगी मैं करूंगा, क्योंकि आज मुझे अभी कांगड़ा फतेहपुर में जाना है और वहां से फिर चंबा जाना है, फिर शाम को वापिस आना है। इसलिए मैं आज इतना ही कहते हुए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, खासकर सभी बहनों का, हमारी बच्चियों का जो 18 साल से ऊपर की होगी है उनको इस 1500 रुपए देने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, जय। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट।